नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच परगना खबर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सिल्ली विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। बधाई और धन्यवाद देते हैं अपने सारे समर्थकों का, झारखंडी जनता का। बस उनका आशीर्वाद बना रहे और मेरे आने का संदेश वो जानते हैं, लंबा रिश्ता रहा है वो हमें और हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। एनडीए के सभी प्रत्याशी को पहले सबसे बड़ी शुभकामनाएं और मुझे पूरा यकीन है कि एनडीए की सरकार बनेगी, वर्तमान सरकार के खिलाफ इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। कल भी आप नामांकन में गई थी, क्या माहौल देख पाए लोहरदगा? बहुत ही अच्छा माहौल था लोहरदगा में। मैंने देखा सबको, एनडीए के जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वहाँ के पब्लिक सबको ही बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे थे, इसलिए मुझे पूरा यकीन है एनडीए की सरकार आएगी। सिल्ली क्या बोलेगा इस बार? सिल्ली हमारे सुप्रीमो सुदेश महतो जी ही बोलेगा। आप जिस तरीके से पॉलिटिकली आप आ रही हैं, आगे क्या उम्मीद करें कि भविष्य में आपकी चुनाव लड़ेंगी? ये सवाल रोज हो रहा है, लेकिन ऐसा मुझे भविष्य का तो किसी को नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि मैं सभी युवाओं को बोलूंगी कि अपना भागीदारी हमेशा पॉलिटिक्स में बनाए रखे। युवाएं ही है जो हमें अच्छी सरकार दे सकती है। कई महिलाएं आगे आ रही हैं, मसलन अगर हम बात करें तो अर्जुन मुंडा की पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही हैं, कल्पना जी चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में क्या नेहा महतो भी चुनाव लड़ेंगी आगे? आप इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिक्स में? मेरे ख्याल से जो पॉलिटिकल फैमिली के है वो जिम्मेदारी है, इंटरेस्ट से नहीं है, वो जिम्मेदारी है। एक पॉलिटिकल फैमिली की जिम्मेदारी होती है कि वो सबको लेके चले। ये जब से मेरी शादी हुई है, उससे पहले भी मैं फादर लोगों के साथ भी रह के ये चीज़ मैंने देखा है और किया भी है, मेरे बच्चे भी यही शुरू से सीखे भी है। मैं यही कहूँगी कि इलेक्शन लड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, इलेक्शन में भागीदारी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रचार प्रसार में भी आप जाएंगे? मैं जा रही हूँ, मैंने शुरू कर दिया। नामांकन से पूर्व रांची के मोरहाबादी स्थित बाबू वाटिका से स्मरणालय भवन तक पदयात्रा आयोजित की गई। इस दौरान सुदेश महतो ने कहा कि सिल्ली विधानसभा की जनता विकासवादी है, हम जनता को जानते हैं, वे हमें समझते हैं, हमारा काम ही हमारी पहचान है, हमने क्षेत्र को विकास के सभी मानकों पर स्थापित किया है, जनता का प्यार स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करने और सिल्ली विधानसभा को विकसित बनाने के संकल्प के साथ नामांकन किया है। ये चुनाव झारखंड की अस्मिता और भविष्य के लिए अहम है, एनडीए अपनी एकजुटता से राज्य को विकास पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। पदयात्रा में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, सुदेश महतो की पत्नी नेहा महतो, पुत्री शीरिन स्नेह समेत आजसू के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा से पूर्व सुदेश महतो ने बापू वाटिका स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, देश की आजादी के प्रणेता गांधी जी के सामने सिर झुकाकर झारखंड में लोकतंत्र की सुरक्षा और सिल्ली विधानसभा की समृद्धि का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि सिल्ली विधानसभा राज्य के विकास का आधार है, सिल्ली की पहचान आज पूरे राज्य में विकास के मॉडल के रूप में है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचनाओं, खेल समेत हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, पदयात्रा में शामिल ये जनसैलाब बता रहा है कि सिल्ली में सुदेश महतो और झारखंड में एनडीए की जीत सुनिश्चित है, एनडीए पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही, जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए पांच परगना खबर। नमस्कार।